काफी महिलाओं को सिजरियन डिलीवरी के बाद टाकों में स्वेलिंग आने की यानी कि सूजन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताऊंगी कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सूजन आ जाती है और कैसे आप इनको कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि डिलीवरी के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर भी हमें सलाह देता है कि आप पेट पे जो है ऑयल लगाइए या मॉइस्चराइजर लगाइए। तो पेट पे जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, कई बार वो कॉस्मेटिक हमारे जो टाके हैं उनमें इन्फेक्शन पैदा कर देता है जिसकी वजह से टाकों में सूजन हो जाती है। तो ये तो हुआ पहला कारण। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप कॉस्मेटिक जो भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज कि आप कोई मॉइस्चराइजर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आज से ही बंद कर दें। उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं फिर भी अगर आपको सूजन आ रही है तो आप कोई भी चीज यूज करना बिल्कुल बंद कर दें। 2-4 दिन आप ये करके देखिए, अगर आपके टाकों में आराम मिलता है तो इसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम आपके कॉस्मेटिक यूज करने की वजह से है। दूसरा इसका कारण होता है टाकों की सही तरीके से केयर ना करना। अगर आपके अभी अभी डिलीवरी हुई है तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ना तो आप बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहे, स्पेशली ऐसी पोजीशन जिसमें आपके टाकों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और ना ही आपको बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, कोई भी वजन आपको नहीं उठाना चाहिए जब तक आपके टाके पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। इनको ठीक होने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त और कई बार 6 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। अगर आपको ये स्वेलिंग आपके डिलीवरी के काफ़ी टाइम के बाद आई है, सपोज कि आपकी डिलीवरी को 3 से 4 महीने हो गए हैं फिर आपको ये स्वेलिंग अगर महसूस हो रही है तो ये हो सकता है आपके टाकों पे किसी वजह से कोई दबाव आया हो, जैसे कि ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठना या वजन उठाना या गलत तरीके से लेट जाना या पेट पे कोई वजन रख लेना या कोई ऐसी एक्सरसाइज करना जो आपके टाकों को इफेक्ट कर रही है। तो ये भी एक कारण आपके सूजन का हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी डिलीवरी को कम टाइम हुआ है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वजन ना उठाएं, कोई गलत एक्सरसाइज ना करें, इवन कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 महीने तो किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ वॉकिंग करें या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज आप ना करें। एक्सरसाइज करने के लिए बहुत टाइम है, पहले आप खुद को अच्छे से हील हो जाने दीजिए फिर आप एक्सरसाइजेस कीजिए। तीसरा, अगर आपकी डिलीवरी को अभी कम टाइम हुआ है तो स्वेलिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि जब तक अंदर से हमारे टाके पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं, अंदर से हमारी बॉडी रिकवर नहीं करती है, तब तक आपको बाहर भी टाकों पे स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। कुछ दिन अगर हुए हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, 15 से 20 दिन तक भी अगर आपको स्वेलिंग हल्की हल्की महसूस हो रही है तब भी ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेके आप ज़्यादा परेशान मत होइए। धीरे धीरे जैसे अंदर से आपके टाके सूखेंगे, टाके ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको पेट पे ऊपर आए होते हैं, बल्कि आपकी बॉडी के कई लेयर अंदर तक आपको स्टिच दिए जाते हैं, जब वो स्टिच आपके धीरे धीरे ठीक होते हैं तब आपके बाहर के स्टिच भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि 7 से 10 दिन में टाके ठीक हो गए, लेकिन एक्चुअली इनको पूरी तरीके से ठीक होने में 6 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइए, आराम से अपने टाकों को ठीक होने दीजिए। काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, पेट और वेट कम करने के लिए आपको पूरी लाइफ है, आराम से आप धीरे धीरे कीजिए, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत अभी आपकी आपकी इंटरनल बॉडी को हील करना है, उसको आप ठीक होने दीजिए फिर आप ये सारी चीज़ें कीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी महिलाओं के साथ में है। इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।